हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटो गियर प्लस। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है दोस्तों, चाहे S1 बुक किया हो चाहे S1 प्रो बुक किया हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको डिलीवरी कब मिल रही है, डिलीवरी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, प्राइस के बारे में क्यों बढ़ गया प्राइस, इंश्योरेंस के प्राइस के बारे में, RTO का चार्जेस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को ये हो रहा है दोस्तों कि उन्होंने बुकिंग किया है उसके बाद उनका डिलीवरी डेट चेंज हो जा रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है? तो इसमें दो रीजन हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट रीजन ये है कि आपने या तो बुकिंग जो 499 वाला वो आपने डिले किया होगा एंड आप बुकिंग का लिंक मिल गया एंड आपने बुक किया तो आपको एक टेंटेटिव डेट मिला, उसके बाद आपका नेक्स्ट डेट चेंज हो जा रहा है। अगर आप बाद में बुकिंग किया बट पेमेंट आपने पहले किया है तो वो हिसाब से आपको मैसेज मिला डिलीवरी इतने टाइम पे मिलेंगे। बट प्रॉब्लम इधर हो रहा है अगर जिसने पहले बुकिंग किया है एंड बाद में पेमेंट भी करता है उसके लिंक आने के बाद, तो उसकी डिलीवरी उसके बुकिंग के हिसाब से प्रीपोन कर दी जा रही है। ओला क्यों कर रहा है ऐसा एंड क्या एक्चुअल रीजन है वो अभी तक कंफर्म नहीं बताया, क्योंकि हमने भी पूछा हुआ है बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया ओला से। सेकंड चीज दोस्तों, लोग जिन्होंने बुक किया है एंड उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, अब वो प्राइस देके ओला का अभी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अब उनको कैंसिल करना है। तो आपको कैंसिलेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि आप अगर कैंसिल अगर 499 का अमाउंट करोगे तो भी आपको अक्टूबर के बाद ही जब डिलीवरी स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी एक्चुअल, उसके बाद ही आपको पेमेंट रिफंड मिलेगा। अगर आपने 20,000 डाउन पेमेंट या एडवांस पे किया है तो भी आपको डिलीवरी जब स्टार्ट का मैसेज आएगा तभी आपको कैंसिलेशन का पैसा मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने जुलाई में बुकिंग की है तो आपका अक्टूबर में आएगा, लगभग 4 महीने बाद आपका उसका रिफंड मिलेगा, उसके पहले आपका रिफंड नहीं मिलने वाला। अगर आप आज भी कैंसिल करते हो या कल भी करते हो, जो भी आपका अक्टूबर एंड में ही रिफंड आने वाला है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डिफरेंट प्राइसेस क्यों है दूसरे स्टेट में? सो देखा जाएगा तो ओला ने जो एक्स शोरूम प्राइस अनाउंस की थी 99,999 S1 के लिए, 129,999 S1 प्रो के लिए, तो इसमें स्टेट में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस हो सकता है क्योंकि RTO के चार्जेस होते हैं एंड थोड़ा सा इंश्योरेंस अमाउंट या कंपनी जो आप लेते हो तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। बट प्रॉब्लम इतना आ रहा है कि स्टेट के प्राइसेस के अलावा बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि आप S1 प्रो की देख ले तो कोई कोई स्टेट में लगभग 1,60,000 के आसपास प्राइस चले जा रही है, जहां पे आप कोई भी जो बुक करते समय सोचा नहीं होगा। तो मैं मानता हूं अगर ये प्राइसेस ऑलरेडी इनको इंक्लूड करना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया जब लोग बुक करना चाहते थे? इसको सस्पेंस क्यों रखा गया कि जब लोगों को प्राइसिंग का पेमेंट विंडो ओपन हो रहा है, परचेज विंडो, तब इनको लोगों को दिख रहा है? जिनको चाहिए उनको लगा शायद बाद में डिडक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा रहेगा या कुछ गलती होगी, साइट का ग्लिच होगा, इसकी वजह से आप पेमेंट कर दिया। बट जब उनको पेमेंट करते हो आगे चल के देख रहे हैं कि उनकी प्राइस उनको 158,000 आ रही है, किसी को 151 आ रही है, कोई कोई स्टेट में तो 141 भी आ रही है, क्योंकि वो लोग उनके स्टेट में RTO था ही नहीं पहले से, तो RTO का चार्जेस में भी उनको जीरो आ रहा है, तो बेनिफिट मिल रहा है। बट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ऑलरेडी जब RTO चार्जेस वालों ने रजिस्ट्रेशन का निकाल ही दिया है तो ये चार्जेस नहीं इंक्लूड होना चाहिए। पता नहीं क्यों ओला इसको ऐड कर रहा है, मे बी अगर आपको फ्यूचर फुल पेमेंट में शायद ये माइनस भी हो जाए, बट अभी हम कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर। दूसरी चीज ये है कि ओला ने स्कूटर का प्राइस बहुत ओवर प्राइस स्कूटर है। मैं भी मानता हूं दोस्तों एक स्कूटर के लिए अगर आप 2,00,000 रुपए तक दे रहे हो तो बहुत ही महंगा प्राइस है। देखा जाए तो अगर आप 1,55,000 के एवरेज प्राइस पकड़ रहा हूँ ऑन रोड का, उसके ऊपर मैं 59,000 का ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं वो अमाउंट पकड़ता हूँ, तो लगभग आपको स्कूटर 2,00,000 के ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो 2,00,000 के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कूटर लेना, ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये काफी अच्छे से प्राइस्ड है, बहुत ज्यादा प्राइस है। 1,00,000 तक ओला ने जब स्टार्ट किया था उन्होंने अपना ये रेवोल्यूशन, तो 1,00,000 तक मिलने का प्रॉमिस किया था, अब ये 1,00,000 से बढ़ के 2,00,000 हो गया। पता नहीं क्या और आगे क्या क्या होगा उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। अलग वैसे स्टेट में रह रहे हो जैसे कि जहां पे सब्सिडी अलग से आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आपको ही फॉर्म भर के लेना है, ओला की वेबसाइट से कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलेगा, या तो मे बी फाइनल पेमेंट के टाइम पे आपको शायद आपको हो सकता है कि आपने KYC किया हो तो खाली आपको नंबर जो स्टेट में अलाउड है वो स्टेट का नाम डाल के आपको एक फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल करके सबमिट कर देंगे, तो शायद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जिससे EMI कटने वाली या जिससे आप एडवांस पेमेंट कर दिए हो। आते हैं इसके इंश्योरेंस के पार्ट पे। जैसे कि लोगों ने सोचा था इंश्योरेंस किसी को 5,000 सोचा था, किसी ने 6,000, बट ये इंश्योरेंस भी आ रहा है 7,000 आ रहा है, 8,000 अमाउंट आ रहा है, वो भी अमाउंट काफी डिफर कर रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में, कुछ कुछ अमाउंट से ज्यादा 300-400 या 500 के अंदर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ओला ने उसको आपको ऑप्शनल रखा है। अगर आपको लेना चाहते हो आप ओला से ले सकते हो या तो आप बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हो, एंड आपकी स्कूटर डिलीवरी होने से पहले आपको इंश्योरेंस नंबर देना पड़ेगा ताकि वो स्कूटर के अगेंस्ट में उनको RTO में रजिस्टर करना पड़े। क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हैंडलिंग चार्जेस के, फिर हैंडलिंग चार्जेस ओला बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बट दोस्तों अगर आप एक नॉर्मली सोचा जाए, अगर एक इंडिया में आप इतना
वजन का अगर 100 kg का कोई चीज पार्सल आप भेजोगे तो ऑब्वियसली आपको 1000-2000 तो लगने ही वाला है। तो ओला उसमें ज्यादा नहीं प्राइस कर रहा है हैंडलिंग चार्जेस, इसके लिए क्योंकि ओला के पास कोई शोरूम्स वगैरह नहीं है, आउटलेट्स नहीं है ओपन, तो ऑनलाइन वो लोग कुरियर कर रहे हैं आपके डोर स्टेप तक आ रहा है, या आपको डोर स्टेप नहीं मिल रहा है तो आपके नजदीकी सिटी के कोई डिलीवरी सेंटर पे आपका भेज दिया जाएगा, आपको वहां से कलेक्ट करना पड़ जाएगा। तो हार्डली आपको 1700-1800 चार्जेस तो ये बनता ही है, ओला ने इसमें ज्यादा नहीं प्राइस किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों को आ रहा है, हेलमेट क्यों इंक्लूड कर दिया है प्राइस में, हेलमेट का चार्जेस इतना क्यों रख दिया है, किसी को 1500 का हेलमेट मिल रहा है, किसी को 750, किसी का 900-800, हेलमेट का प्राइस भी डिफर कर रहा है। अगर कंपनी देने वाली एक ही है, वो गाड़ी के साथ ही भेज रही है, तो हेलमेट का चार्जेस क्यों डिफर हो रहा है। एंड हेलमेट चार्जेस कोई कोई स्टेट में तो जीरो भी आ रहा है, क्योंकि वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन में हेलमेट कंपलसरी नहीं है, इसके लिए वो जीरो आएंगे। बट जिस राज्यों में हेलमेट कंपलसरी है बट उसमें भी चार्जेस में बहुत डिफरेंस आ रहा है, किसी किसी को हेलमेट 1500 की पड़ रही है, किसी को 800 की पड़ रही है, ये डिफरेंस हेलमेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैन इंडिया लेवल पे आप करते हो तो आपको प्राइस सेम रखना पड़ेगा एटलीस्ट। बात करते हैं S1 Pro की दोस्तों, बहुत लोग को दिख रहा है उनके फाइनल पेमेंट्स में आपको होम चार्जर्स का 9000 दिख रहा है, परफॉर्मेंस अपग्रेड का 17000 दिख रहा है, RTO चार्जेस तो वैसे भी अलग दिख रहा है, हेलमेट भी ऑप्शनल है, सब ये सब चीज ओला ने ऑप्शनल लिखा है। बट आपको ये ऑप्शनल लिख के भी आप इसको निकाल नहीं सकते हो, अनटिक नहीं कर सकते हो, ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल कहां से हुआ दोस्तों, ओला बोल रहा है कि ऑप्शनल है, अगर आप आई मार्क के ऊपर क्लिक करते हो ऑप्शनल है, बट ऑप्शनल के लिए आपको ऑप्शन तो होना चाहिए कि उसको अनटिक करें, ये सरासर देखा जाए तो ये गलत चीज हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए उस चीज को तो आप निकाल दीजिए, ऑप्शनल है तो आपको उसको नहीं लेने का भी ऑप्शन आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हमने थोड़ा कुछ क्लैरिफिकेशन दे दिए है, एंड बाकी कुछ क्लैरिफिकेशन जैसे कि अगर उनके जो क्वेश्चंस उनको पूछा है अगर उसका आंसर मिल जाए तो हम आपको अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। कैसा था हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।